हेलो फ्रेंड्स, ऐसे तो मैं बालक एवं बालिकाएं बोलता हूं, लेकिन कोई नहीं, तो वेलकम टू पीटीएफ। पीटीएफ में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास यादव। पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं, फिर उसके बाद मैं काम की बात करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि जो मेरा पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है ना, 8+ ईयर्स। उम्मीद करते हैं कि ये कलर दिख रहा होगा, नहीं तो मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। देयर इज पेन एंड कलर, है ना? ओके। तो 8+ ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसी धरती बिहार से ही हूँ। तो बात करते हैं, जैसे मैंने पहले जो 3 साल का जो मेरा जो भी बैकग्राउंड है ना एजुकेशन में, ये विजिबल नहीं है ना, ये भी ओके। आई एम रिटर्निंग टू ब्लैक, ब्लैक बहुत परफेक्ट होता है ना। तो मेरा क्लेमेंट क्लास है रांची में, है ना, 2015 से 18 तक पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है ना, क्लेमेंट क्लासेस रांची। बहुत सारे बैंकिंग रिजल्ट है ना, बहुत सारे पीओ और सब इंस्पेक्टर में भी बहुत लोग सेलेक्टेड हैं ना इस बिहार झारखंड की धरती पे, है ना, आप पता कर सकते हैं ना। तो ये 2015 से 18 तक का मेरा इंट्रोडक्शन है ना। फिर 2019 से मैं लगभग पढ़ा रहा हूँ ना पैरामाउंट और केडी कैंपस के ब्रांचेज में, अलग अलग ब्रांचेज में, जैसे पटना, गया, है ना, इन सब ब्रांचेज में। तो ये लगभग 2021 तक मैंने पढ़ाया, और 2021 से 2022 तक, है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, पैरामाउंट एंड केडी कैंपस, है ना, बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, बोर नहीं होंगे ना। और 2021 से, है ना, बोल सकते हैं 2021-22 से टिल, है ना, मैं मुगलसराय, है ना, एक रॉय क्लासेज था ना, जो वहाँ पर लोकल कोचिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो वहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, है ना, फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। और साथ साथ में मेरा 1 साल से अन अकेडमी में ऑनलाइन है, अन अकेडमी। तो ये मेरा बैकग्राउंड है पढ़ाने का, है ना। बाकी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट में तो बहुत जगह 2-3-4 दिन पढ़ाया होगा, है ना, लेकिन बेसिकली 2015 से अभी तक का सफ़र है। इसमें हज़ारों लोग सेलेक्ट हुए हैं, है ना, उम्र कम दिख रहा होगा लेकिन तजुर्बा बहुत है। तो आज मैं जिस काम के लिए पीटीएफ एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है ना, उसके बारे में मैं डिटेल देता हूँ। तो जैसा कि बात हुआ, जो मेरी टीम है पीटीएफ में, है ना, तो उन्होंने बताया कि सर आपको मैथ्स टैकल करना है, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी इंट्रो हो सकता है ना लोगों को जोश बढ़ाने के लिए, उसको आपको प्रेजेंट करना है। तो उसी काम के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अगेन, है ना, ओके। तो देखिए, बिहार एसएससी, है ना, इंटर लेवल का वैकेंसी आ चुका है, बिहार एसएससी इंटर लेवल, है ना, इसको मैं प्लस टू शॉर्टकट में बोल देता ना। मैथमेटिक्स में हमेशा शॉर्टकट की बात की जाती है ना, तो लिखना है तो शॉर्टकट बोल दिया। तो अगर इसमें बात किया जाए तो ये 25 मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का है? 25 मार्क्स। लेकिन यहाँ पे बच्चे भूल कर देते हैं ना कि मात्र 25 मार्क्स का मैथ्स है, तो जीएस वगैरह रटेंगे। और इसमें, हाँ, लोगों में, बिहारी लोग में, है ना, क्योंकि मैं बिहारी हूँ, मेंटलिटी को समझता हूँ, बिहारी लोग में सबसे मतलब अच्छी या ख़राब बात ये होती है ना कि किसी चीज़ को बहुत लाइटली भी ले लेते हैं और कभी कभी ओवर एस्टिमेट भी कर देते हैं, है ना। जैसे बच्चों से बात होती है तो बोलते हैं, सर 25 मार्क्स में बिहार में ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि वो सबसे बन जाता है, और जो रिजल्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ जीएस, है ना। तो उनका वो कन्फ्यूजन सबसे पहले दूर कर देता हूँ। यही कन्फ्यूजन में, है ना, बिहार सचिवालय का इस बार वैकेंसी आया था ना, जो बिहार एसएससी के थ्रू ही हुआ था ना, इफ़ आई एम करेक्ट, है ना, या थोड़ा बहुत रॉन्ग रहेंगे, है ना, नाम बोलने में, है ना, तो आप सुधार सकते हैं। तो बिहार सचिवालय में भी जितने कैंडिडेट से मेरी बात हुई, है ना, तो उसमें बोले कि सर मैथ रीजनिंग का क्या है ना, वो तो सबके लिए, मतलब बिहारी मैथ में तो पारंगत है ना, और सब लोग बेसिक तरीके से ही उसको बना देंगे। भाई साहब, ये दांव पड़ गया उल्टा। 80 क्वेश्चन लगभग मैथ्स और रीजनिंग से आए थे, 80 क्वेश्चन, है ना, और आप मान सकते हैं कि अगर टोटल 150 क्वेश्चन थे तो 70 क्वेश्चन जीएस से आए थे। भाई साहब, जब इसको जब लोग बनाने गए 80 क्वेश्चन को, है ना, तो लोगों को लगा कि मैं तो 10वां में 70% लाया हूँ, 80% लाया हूँ, स्कूल टॉपर हूँ, हमको ट्यूशन की क्या जरूरत है, हमको शॉर्टकट की क्या जरूरत है। भाई साहब, इसमें 20 नंबर 25 नंबर लाए, और जो भी कमीशन की तैयारी करने वाले थे सोचे कि 70 में 70 ले आते हैं। भाई साहब, अगर आप 70 में 70 ले भी आओगे ना, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग पे जो लड़का ध्यान देता है ना, वो 80 में 78 कर रहा था, 80 आउट ऑफ 80 कर रहा था। इधर से उसने अगर 50 मार्क्स भी लाया तो उसका रिजल्ट हो गया,
है ना। तो लोग जो अंडरस्टिमेट करते हैं और जो अपना पुराना बैकग्राउंड देखते हैं कि हम स्कूल में बहुत तेज़ थे, है ना, बेसिक तरीके से बना लेंगे मैथ्स और रीजनिंग और रिजल्ट ले आएंगे, वो सब कहानी ख़त्म हो गया ना। जो जो लोग फेल किए होंगे उनसे पूछ लीजिएगा, है ना। तो इसी पे बिहार इंटर वाले एग्जाम में मैं आता हूँ। ये ठीक है कि आपको 25 क्वेश्चन मैथ्स का दिख रहा है, लेकिन जो ये 50 क्वेश्चन जो रीजनिंग है ना, रीजनिंग कोई अलग सब्जेक्ट नहीं होता, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। सबसे पहले ये मैं बता दूं, क्या आपने जीवन में कभी सुना है कि कोई किसी ने रीजनिंग से ग्रेजुएशन किया है, रीजनिंग से एमएससी किया है? तो रीजनिंग बेसिकली कोई सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग बेसिकली कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो मैथ्स का एक पार्ट है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक होगी, कैलकुलेशन ठीक होगा, टेबल अगर आपको आएगा, स्क्वायर क्यूब आएगा, है ना, मतलब बेसिकली पूरा मैथ्स अगर आपका ठीक होगा, तो आप रीजनिंग के 50 क्वेश्चन जो मेंटल एबिलिटी के नाम से है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो बेसिकली मैं एज ए मतलब 100% टीचर कोई नहीं है ना।